कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल अमर देसी घर में स्वागत है। तो अब जो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आप लोगों का दिमाग फटा था और आज जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज जो मैजिक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। और इस मैजिक ट्रिक में मैं आपसे और कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, जैसा कि मैंने वीडियो में लिख रखा है कि मैं आपसे आपका सवाल पूछूंगा खुद, इसका जवाब आप बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तो आपसे मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप इसका सवाल का जवाब दे पाते हो या नहीं। तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं, वो भी एक मैजिक ट्रिक की तरह। आप उन्हें दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने भाई बहनों से, किसी से, बच्चों से, मम्मी पापा से, किसी से भी पूछ सकते हो। पूछना चाहो तो आप उन्हें शौक भी कर सकते हो पूछ के। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चैनल वो जो वीडियो में डालता हूँ उनको यार शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। प्लीज़ अपने दोस्तों को बोलो चैनल को सब्सक्राइब, बेल का घंटे को भी दबा लेना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। तो आने वाले वीडियो बहुत ही अच्छे होने वाले, मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो को आपको अच्छा लगे देखने में। तो जो आगे बढ़ते हैं, अब चलो वीडियो में चलते हैं, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूँ, और उसके लिए गारंटी है 100% कि आप उसका जवाब नहीं बताऊँ। तो चले चलते हैं वीडियो। हाँ तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं आपसे आज कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो क्वेश्चन शुरू होते हैं अब। तो जो मैंने यहाँ पर कुछ जो पेपर के पीस रखे हैं उनमें से आपको बताना है कि बी बड़ा है या ए, बताइए, सोच लीजिए कौन सा बड़ा है। वैसे मैं पूछ रहा हूँ आपको, ए बड़ा दिख रहा है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये पूछ के रहा है ए बड़ा दिख रहा है, तो आप सबको मेरे हिसाब से ये लग रहा होगा कि ए बड़ा है। चलो अब देखते हैं, तो ये क्या हुआ, बी बड़ा हो गया, कैसे हुआ नहीं पता। अब ये ए को नीचे ले आएंगे तो ए बड़ा हो गया, ऊपर ले गए ये छोटा हो गया, कैसे? ये क्या है कि ये आंखों का इल्यूजन है, असली में इन दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है। ये दोनों पेपर के पीस हैं वो इक्वल है, दोनों पेपर के पीस बराबर है, बस इनके आंखों का इल्यूजन होता है जिस वजह से अपन को ये बड़े और छोटे दिखते हैं। तो कैसी लगी ये वाली चीज़? मैंने बोला था ना आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो नहीं ही दे पाए। तो ये आंखों का एक इल्यूजन ही है। दूसरी ट्रिक है वो मैं आपको भी बताता हूँ, वो भी इससे ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। हाँ तो गाइस, जैसा कि मैंने अब दूसरी ट्रिक में आ चुके हैं, अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये है जो एक स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर है, उसके अंदर हमने बाहर से फ्रेम बना रखा है। इसके बीच में क्या है कि ये आप देख रहे हैं जो ये इसके बीच में आ रहा है एक गैप। अब मेरे को क्या करना है, मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा, इनको बिखेरूँगा और वापस से इनको जचाऊँगा जिससे कि ये गैप भर जाए, ये पूरा स्क्वायर के फ्रेम के अंदर है। चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं कि मैंने उसी को ही सही से बनाया है, और उसी फ्रेम के अंदर है ये जिसमें ये पहले था, पर इसके बीच में जो ये गैप था ये भर गया। ये कैसे भरा ये मुझे भी नहीं पता है। मैंने ये बोला था कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये वही वीडियो है जैसे आप वापस से देख लो सही से, ये कैसे भरता है मुझे भी नहीं पता गाइस कि ये कैसे भर जाता है। बस ये साइंस की ट्रिक है, कोई मैजिक है, ये मुझे भी नहीं पता चला अभी तक। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं इसके आगे एक वीडियो डालूंगा, अगर आप लोगों की चॉइस होगी तो। देखिए गाइस, इसके बीच में जो गैप आ रहा है ना एक मज़ेदार ट्रिक, गाइस मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो जाता है। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे आने वाली वीडियो अगर आपको और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन वाले ट्रिक चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं आपको आज शो करने वाला हूँ, आप शो हो गए ना आप, बस मेरे को ये बता देना दूसरे वाले क्वेश्चन का आपसे। पहले वाले का तो मैंने आपको बता ही दिया वीडियो पर, दूसरा वाला उसमें मेरे को भी नहीं पता उस स्क्वायर में गैप कहाँ से आया और वो गैप वापस बल्कि स्क्वायर कैसे बना, ये मुझे भी नहीं पता। और आने वाली वीडियो में आपसे मैं फन स्पेसिफिक का वीडियो बनाने वाला हूँ, और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और प्लीज़ यार सपोर्ट बनाए रखना यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।